नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जिसे जीएमसी हॉस्पिटल भी कहा जाता है। लेकिन दिन ब दिन अगर लोगों की बात सुने तो यहां पे कोई भी देखरेख नहीं है। बीते कल रात को राकेश शर्मा, जो कि रामनगर के प्याला गांव का रहने वाला था, उसे यहां पर लाया गया। पहले उसे रामनगर दिखाया, उन्होंने इसे रेफर उधमपुर के लिए किया गया, लेकिन यहाँ उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके माता पिता मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा, इनसे भी पूछना चाहूँगा कि गल हुई तुहाड़े मुड़े की वेला। कोई पता नहीं भाई, सवेरे आया रामनगर, मैं उन उठे लगे हूँ लगे राशन कार्ड मैं मूठा लगाया उन्हें, पापा हूँ चलिया मूठा लगाया, मान लो आइए भाई वो निका भी आवाज आया जिला तुम दिन भाई वो गया निका घर गया उठी फोन किया दुगे मिले ना फोन होंगे शामी गया शामी घर गया तो रोटी रोटी बनाने नहीं अंदर भाई मैं बडले नहीं खाधी हूँ खाई लगा रुट्टी कुछ खानी महाराज छड़ा अंदर डप्पया वो तो मैं चल रुट्टी खानी रुट्टी पाई साली रुट्टी कुछ खानी उसी पापा मी कहीं हुआ था इक्के आवाज मार दे उल्टी शुरू हुई भी बजाई लाओ बस उस जबान फिर चुकया उतुआ डाक्टर भरा गड्डिया कीतियाँ भी पता तुम ग्रां ये गल भी रामनगर आए रामनगर पूरा किता उन्हें थोड़ा बहुत जो कुछ करना अंदर अंदर कढ़ाया कढ़ाया पैपा पुपा और सीजन लाई उन्हें भी उन्हें एम्बुलेंस भेजी उधमपुर लेई जाओ। ये चोर रखते भी साढ़े को भेज जम्मू जाना सीधे अस इतें भेजा दे जम्मू ने भेजने नहीं भेजने रामनगर अस इतने जैसे कितने कितने किया उन्हें एक साढ़े को गड्डी गई टिकरी दवा दी कहा कोई गड्डी गुड्डी किन्ने चिर तड़फा रहा उसे कम कम डेढ़ दो घंटे का कम है इतने उस डाक्टर ने दिखा उस डाक्टर ने कोई डाक्टर बच्चा डाक्टर नहीं लभ्या असें कोई नर्स नहीं लभी कोई डाक्टर नहीं लभ्या दसो असें कुछ जाना रात डेथ होई डेथ होई फटाफट आई नर्स ढोड़ी ताड़ी छंडिया पेपर फूट फटाफट मुंह बंद कर पुलिस आई पर पुलिस पुलिस गै चोर है पुलिस वाले आइए दौ बारी अपना किया उन्हें हूँ भी आखा असें पोस्टमार्टम कराइए देना पोस्टमार्टम जनाब असें नहीं करना मेरा बच्चा गया बनाना नहीं है मैं लेना घर कोई नहीं मिगी पोस्टमार्टम कोई चूं नहीं कराई मिगी तो डैडी बॉडी दौड़ो लानी असें अग्गें भी करना चाहिए बारह इतने बची गए दुनिया तड़फा दी घर नर्सेदार सारे पूरे गए सारे मैं कुछ जाऊँ मैं आपने देखा कि ये थे राकेश के पिताजी थे। राकेश की उम्र 22 साल बताई जा रही है, लेकिन रामनगर वालों ने उधमपुर के लिए रेफ़र किया गया, लेकिन यहाँ पे दो घंटे रहने के बाद भी किसी डॉक्टर या किसी ने भी उस लड़के को नहीं देखा और लड़का तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। लेकिन इनका यही कहना है कि उनकी उसकी देख रेख नहीं की गई, लापरवाही के कारण उस लड़के की जान चली गई। भाई भी उसका उसके साथ है। अब तो सुना दे क्योंकि छह टीके भी नहीं रखे थे क्यों टीके। हाँ भैया, इंजेक्शन मंगवाए थे उन्होंने, लगाया एक भी नहीं, सिर्फ रुला के रखे थे बस। देखा नहीं डॉक्टर ने पर्ची काट के दी कि जम्मू ले जाओ, वहाँ एम्बुलेंस वगैरह कोई अरेंज करके दो, बोलते हैं एम्बुलेंस टिकरी से आ रही है एक घंटा लगेगा। अच्छा, वहाँ एक घंटे में तब तक तो मेरा भैया आ गया जम्मू से, कटरा से आ गया भैया, पर टिकरी से एम्बुलेंस नहीं पहुँची। हम बोला अपनी गाड़ी में ले जाएंगे, बोलते नहीं एम्बुलेंस में सारी सुविधा मिलेगी आपको। एम्बुलेंस नहीं है। हाँ, एम्बुलेंस नहीं आई भैया, तड़प तड़प के मर गया भैया मेरा, पर किसी डॉक्टर ने देखा तक नहीं। जब भैया की जान निकली, भैया डॉक्टर बैठा था, एक वाइट कलर की शर्ट पहनी थी, उसे भाग गया उधर से। देखिए, ये राजेश शर्मा का, राकेश शर्मा का ये भाई था, ये पिताजी थे, माताजी भी उनके साथ आई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो लापरवाही जो सामने आ रही है कि दो घंटे तक वो लड़का यहाँ पे रहा, लेकिन उसे कोई चेक नहीं किया गया। टीके मंगवाए गए लेकिन लगाया एक भी नहीं गया, छः टीके मंगवाए गए लेकिन लगा एक भी नहीं, और राकेश ने अपनी जान दे दी। लेकिन अब ये देखना है कि ये डिपार्टमेंट कब अपनी आंखें खोलता है, या पुलिस प्रशासन की ओर से भी कोई कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।